अरे सर आपको भी पता होगा ना, पहले 16 सीटें और अब 14 ही रह गई है, दो सीटें तो पहले ही वापस ले ली लोगों ने। और आप भी जानते हैं अमित शाह जी की रणनीति बहुत अलग तरीके की होती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल तक ये लोग सारी चीजें देखते हैं, उसके आधार पर ही टीम डिसाइड होती है, जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती हैं। दिव्या दिव्या, हमने तो इनकी बनारस में दोनों एमएलसी की सीटें छीन ली, और वो भी प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, और खतौली के अंदर की भी इनकी सीट छीन ली। वो तो देखिए कोई इनका छिनाता नहीं है, इनके कार्यक्रम है वो सामने आ रहे हैं। 80 सीट हमने इनकी 2022 में कम कर दी, और 210 सीटें ऐसी थी जहां महज हम 200 वोट से 1000 वोटों के बीच में प्रशासन की वजह से हारे, क्योंकि 10 से 12 हजार वोटों से अगर समाजवादी पार्टी वहां जीतेगी तो वहां हार जाएगी, क्योंकि वो प्रशासन हरा लेता है। आज रामपुर के अंदर जो आपने देखा कि आसिम रजा साहब 20 चक्र के वोटों में 6500 मतों से आगे चले गए। ठीक है भाई, वो बताना चाह रहे थे जहां पर आप लोग काटते हैं प्रशासन पर सवाल, ईवीएम पर सवाल। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बारी बारी से एक रिएक्शन पहले जल्दी से सबके साथ। सुची जी, भारत जोड़ो यात्रा तो आप लोग निकाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि इसका कोई फायदा जनता को नहीं मिलने वाला, क्योंकि फेस तक नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, किनारे किनारे से ये यात्रा निकल रही है। वो तो जैसी देश की स्पाइन है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही यात्रा के रूट को क्लियर किया गया था, जो जैसा पैसेज है वो बहुत क्लियर है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का मनोबल गिरा हुआ है, आप उनकी इनसिक्योरिटी बहुत कायदे से देख सकते हैं, कभी राहुल जी के जूते, कभी राहुल जी की टी शर्ट, कभी कोविड का भय, समय समय पर अनर्गल बयान वो श्रीमती ईरानी ने विवेकानंद जी के कन्याकुमारी में दिया उसके बाद से अब तक। लेकिन जिस तरह से 2800 किलोमीटर प्लस की यात्रा और व्यापक जन समर्थन लेकर श्रीमान राहुल गांधी जी दिल्ली में खड़े हुए हैं, तो आप आज की स्थिति देख लीजिए। और मुझे लगता है कि अगर किसी को नेत्र दोष है, मोतियाबिंद है, तब तो बात अलग है, किंतु आप सूक्ष्म नेत्रों से देखें या दिव्य नेत्रों से देखें, बहुत ही क्लियर कट आप देख सकते हैं। चाहे छोटे उद्यमियों का समर्थन हो, चाहे व्यापारियों का समर्थन हो, चाहे महिलाओं का समर्थन हो, चाहे विकलांगों का समर्थन हो, पूरे देश में व्यापक रूप से जो अप्रत्याशित समर्थन श्रीमान राहुल गांधी जी को मिला है, जिसने उन्हें जननायक के तौर पर स्थापित किया और भाजपा के उस हजारों करोड़ के राजनीतिक अभियान की धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसमें श्रीमान राहुल गांधी जी के इमेज को एडिटेड मॉफ वीडियोस के माध्यम से, प्रोपेगेंडा मशीनरी के माध्यम से, डॉक्टर टेलर्ड वीडियोस के माध्यम से, ये पवन शर्मा रजिया वालों ट्वीट आर्मी से आईटी सेल के माध्यम से जो धूल धूसरित करने की कोशिश की गई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरह विफल हुई। और एक संदेश यह भी, ठीक है कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए दिव्या जी, और एक बहुत ही स्पष्ट संदेश इस बात के लिए भी गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक संगठनों और जो एक हमारा सोशल फैब्रिक है उसको डैमेज करके जिस तरह से डिक्टेटरशिप की स्थापना की, जिस तरह से पीओसीयूज का प्राइवेटाइजेशन किया, जिस तरह फार्मर एजुकेशन को कुचला, जिस तरह डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से काले धन को भी, वो कह रहे हैं कि इनसे भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं जल्दी से बताइए, उसके बाद जा रही हूं विजय जी के पास, जल्दी से रिएक्शन आपका। देखिए मैं कहूंगा मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तमाम कांग्रेस के लोग सवाल उठाते थे कि राहुल गांधी जी नेता ही नहीं है, तो अपने को सिद्ध करने के लिए ऐसे लोग जो भारत का विभाजन करा दिए, एक स्वयंभू भारत था उसको छोटा कर दिए, जो 370 लागू करवा दिए, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते हैं, जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, ये लोग भारत तोड़ने का कार्य किए। जो देश में इमरजेंसी लगाते हैं, ये लोग भारत तोड़ने का कार्य किए। और जो सिखों का कत्लेआम कराते हैं, ये लोग भारत तोड़ने का कार्य किए। समान विधान का के दो विधान भारत में बना देते हैं, ऐसे लोग भारत तोड़ने का कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि 3 दशक पहले उत्तर प्रदेश छोड़कर जाने वाले, और राहुल गांधी जी तो अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की जनता को छोड़कर जा चुके थे। तो पहले तोड़ो जोड़ो छोड़ो की राजनीति करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता दिव्या जी सर आंखों पे बैठाने वाली नहीं है। दूसरे कपीस जी अभी कह रहे थे भाई जातिवादी पार्टी, क्षेत्रवादी, समाजवादी, संप्रदायवादी पार्टी को तो 2017 में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। हाँ निश्चित तौर पे सहानुभूति और श्रद्धांजलि के नाम पे अगर आप जीते तो अहंकार इतना बढ़ गया, क्योंकि जनता जान रही थी कि आपके एक जीतने से ना उत्तर प्रदेश में उसका कुछ असर पड़ेगा, न केंद्र में असर पड़ेगा। 2014 से जब से आदरणीय अखिलेश जी कमान संभाले हुए 20 चुनाव आप हार चुके हैं, और मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के सूर्य का अस्त भी अखिलेश यादव जी के कालखंड में ही हो जाएगा। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।